हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित इंडिया बायनोकुलर शॉप से। आज जो हम बात करेंगे वो निकॉन का एक्शन एक्सट्रीम 10x50 बायनोकुलर है, जो पोरोप्रिज्म डिज़ाइन में है। इसका ये बॉक्स है, आप देख रहे हैं। और दूसरा जो है वो हॉक का है, वो भी 10x50 में है, 10x पावर 50mm लेंस का साइज़, लेकिन वो रूफ प्रिज्म में है। तो दोनों बायनोकुलर्स की क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप जैसे देख सकते हैं, निकॉन का इस तरीके से ये बढ़िया बॉक्स में आता है। आपको पता ही है कि निकॉन के जितने भी बायनोकुलर्स हैं, इस तरीके से अच्छे ब्रांडिंग में आते हैं। और ये वाटरप्रूफ में है, तो वाटरप्रूफ में है और करीब 2.5-3 मीटर तक, अगर 5 मिनट तक पानी में रहता है तो इसमें पानी एंटर नहीं करेगा, जो कंपनी की वेबसाइट क्लेम करती है। ये हॉक का बॉक्स है, बहुत सुंदर है, वाइट कलर का, थोड़ा हैवी ड्यूटी है। इन दोनों के मुकाबले अगर मैं सिर्फ बॉक्स की बात कर लूँ, तो हॉक का जो बॉक्स है वो ज़्यादा रफ एंड टफ बिल्ड का है, सॉलिड है। जो अगर आप कुरियर करते हैं तो बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देता है। बॉक्स के बाद अगर हम चलें तो एसेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी बायनोकुलर के साथ एसेसरीज क्या आती हैं या क्या क्वालिटी है, तो निकॉन का जो ये स्ट्रैप है, बायनोकुलर स्ट्रैप, जो बहुत ज़रूरी है बायनोकुलर पे लगा के गले में पहनने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी का बड़ा चौड़ा स्ट्रैप है। निकॉन इसमें बिल्कुल इंग्रेव्ड है, आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ हॉक का देखें तो ये थोड़ा पैडिंग वाला लगता है, हल्का, और ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये फ्लोट कर सके। हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा हल्का है वेट में और अच्छा पैडिंग वाला है। तो अगर आप गले में डालेंगे तो आपका, आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट है ये। तो बैग की बात कर लें, निकॉन का अच्छा सॉलिड ड्यूरेबल बैग है, बिल्कुल पैडिंग वाला, और अच्छी कुशन है इसके अंदर। और इसकी जो आई कैप्स हैं वो अलग डिटैचेबल है, ये इसकी आई कैप्स हैं जो इसी के अंदर हमने डाले हुए हैं। अच्छा है और शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है। इसी तरफ अगर हम हॉक की बात करें, इसमें पैडिंग थोड़ी कम है, लेकिन सॉलिडिटी की बात करें तो ये थोड़ा मैटी में है और ये थोड़ा अलग मटेरियल है। इसमें इस तरीके से है, कॉम्पैक्ट है काफ़ी, और इसमें ऊपर की जो डस्ट कैप्स हैं वो रिमूवेबल हैं। आप अगर इस पर जूम करें तो इस पर एक छोटी सी इंटरनल पॉकेट कंपनी ने दी हुई है, शायद वो इसलिए दी है कि आपने कुछ नोट्स अगर रखने हैं तो वो आप उसमें अलग से इंटरनली आप रख सकते हैं। ये तो इसके हो गए एसेसरीज। अब अगर मेन बायनोकुलर्स की बात करें तो निकॉन का जो एक्शन 10x50 है वो इस तरीके से दिखता है। अगर आप इस पर जूम करें, ये इसका बीच में फोकस है और राइट आई एडजस्टमेंट इसकी ये है, तो आपने यहाँ से भी फोकस करना है और राइट आई के लिए यहाँ से फोकस करना है, जैसे मैंने समय समय पर बताया। और ये इसके आई कप्स हैं जो रोल आउट और रोल इन हो जाते हैं। अगर आप स्पेक्टिकल्स वेयर नहीं है तो इस तरीके से आपने देखना, और अगर आपके स्पेक्स पहनते हैं तो फिर आपको रोल डाउन करके देखना है। एक अच्छा बायनोकुलर है, कंपनी क्लेम करती है फुली मल्टी कोटेड है, वाटर प्रूफ है, बैक फोर है और पोरो प्रिज्म है। हमने जब इससे देखा तो इमेज बहुत शार्प और ब्राइट थी, इसमें कोई प्लेन ही था। अपनी आईज के हिसाब से हमने इसको एडजस्ट कर लिया, जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं कि इसको अपनी आईज के हिसाब से एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वुमन और बच्चों का थोड़ा फेस छोटा होता है तो उनको थोड़ा फोल्ड करना पड़ेगा इंटरनली, और जेंट्स का, जैसे मेरा फेस थोड़ा सा चौड़ा है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा इसको वो करूँगा, एक्सपैंड करूँगा। बायनोकुलर का जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है वो एक बहुत अच्छा पैरामीटर होता है, तो इसका जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस वो है, वो करीब 6 या 7 मीटर का है जो हमने पाया। और इसका जो वेट है वो 1020 ग्राम्स है, तो काफ़ी हैवी और बल्की है। कुछ टाइम बाद हाथ थकने शुरू हो जाते हैं, ये मैंने पर्सनली फील किया। हालांकि ऐसी शार्पनेस थी, ब्राइटनेस थी इमेज, और इसके जो आई रिलीफ है वो 17.2 mm एक अच्छा आई रिलीफ है। तो अगर आप स्पेक्स वेयरर हैं तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, निकॉन का 17.2 है। इसके अलावा अगर हम हॉक में जाएं तो ये हाफ हॉक का आप देख रहे हैं, इस तरीके से ग्रीन कलर में है और ये आई कैप साथ में रहते हैं। हॉक में भी ये एक अच्छा हाई रिलीफ है, इनफैक्ट निकॉन से थोड़ा ज़्यादा है, 18 mm का है।
लेकिन अगर एरिया की बात करें तो निकॉन थोड़ा ज्यादा एरिया दिखाता है क्योंकि पोरो प्रिज्म डिजाइन में है। तो 1000 मीटर पे अगर आप एरिया देखते हैं तो 114 मीटर एरिया ये कवर करता है, जबकि हॉक जो है थोड़ा कॉम्पैक्ट में है, रूफ प्रिज्म में है, ये एरिया कम कवर करता है, करीब 100 मीटर के आसपास ये कवर करता है एरिया। और इसकी जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट की है, निकॉन की जो है रबराइज है, लेकिन वो एल्युमिनियम बैरल्स हैं, तो एल्युमिनियम काफ़ी स्ट्रांग होती है और लाइट वेट होती है। पॉलीकार्बोनेट भी स्ट्रांग होती है, लेकिन उसका एक एडिशनल एडवांटेज ये होता है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंट होती है, तो ये एक एडिशनल फीचर है पॉलीकार्बोनेट बॉडी का, हॉक का। और एक एज है इसका, जो आई रिलीफ है 18 है, इसका 17.2 है, और ये लाइट वेट है, इसका वजन कम से कम 830 ग्राम है। एक और अच्छी चीज़ जो मुझे हॉक के अंदर लगी वो ये कि ये नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस इसका जो है वो 2.5 मीटर है। तो अगर मैं बर्ड वॉचर हूँ या बटरफ्लाइज देखने का शौक है और बिल्कुल पास में देखना चाहता हूँ तो आपका निकॉन 10x50 शायद फोकस नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक डिस्टेंस चाहिए 6 मीटर का, 7 मीटर का, लेकिन ये आपको 2.5 मीटर में भी ऑब्जेक्ट सिखा देगा, फोकस करेगा। और दूसरा, ये लाइट वेट है, करीब 200 ग्राम ये हल्का है, रूफ प्रिज्म है, तो रूफ प्रिज्म बाय डिज़ाइन थोड़े बेटर बिल्ट होती है, ड्यूरेबल होती है बिल्ट कंपेयर टू पोरो प्रिज्म। जहाँ तक इमेज क्वालिटी की बात कर ले तो मुझे दोनों की इमेज इक्वली ब्राइट लगी, लेकिन निकॉन की थोड़ी सी इमेज ज़्यादा खुल के है, क्योंकि सिंपल रीज़न वो पोरो में है और इसका 6.5 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, उसका 5.8 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है। अब प्राइस की बात कर लें तो प्राइस ये 14450 के आसपास है। मैं एक बार इसकी प्राइस पढ़ लेता हूँ कितनी है, टू बी श्योर। हाँ, ये 14450 है, और जो हॉक है वो 18500 का है। अगर ये बायनॉक्लर आपको चाहिए हो तो indiabinoclershop.com या मेरा व्हाट्सएप नंबर 9899212222 9560687095। फाइनली मैं बताता चलूँ, दोनों की इमेज की ब्राइटनेस बराबर है, लगभग बराबर है, कोई 2-3% का फर्क होगा। निकॉन वाला हैवी है, और इसका जो एरिया है फील्ड ऑफ व्यू वो थोड़ा सा ज़्यादा है हॉक से, लेकिन ये भारी है। उसकी जो बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट में है, मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस इससे बेटर है, हाई रिलीफ निकॉन से बेटर है, और प्राइस में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो दोनों मेरे हिसाब से विनर हैं। लेकिन अगर मैं लाइट वेट या मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस के हिसाब से जाऊंगा तो शायद मैं हॉक को इसके ऊपर रखूंगा। हालांकि ये 18,500 का और ये 14,450 का है, दोनों वाटर प्रूफ हैं, फुली मल्टी कोटेड हैं, बैक फोर हैं, ये वाला रूफ प्रिज्म है और ये पोरो प्रिज्म है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल से बनिए रहिए। कुछ सेलेस्टॉन एक्सप्लोरर, स्टार सेंस एक्सप्लोरर के नए मॉडल्स आए, उसका वीडियो लेके मैं ज़रूर हाजिर हूँगा। थैंक यू।